गाइस एकदम बढ़िया टेस्ट है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे और नए वीडियो में। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो है फूड ब्लॉगिंग वीडियो, और आज हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपको वीडियो में आगे। सो गाइस अभी हम लोग सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। तो गाइस रसमलाई के लिए हम लोग को चाहिए सबसे पहले चीनी, उसके बाद चाहिए एक दूध और ये ब्रेड। सो गाइस अभी हम लोग ये जो मिल्क है उसको उबालेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो आप सब देख सकते हो कि केसर की वजह से हमारा जो मिल्क का कलर है वो चेंज हो चुका है, और कितना सारा दूध था उबल उबल के बहुत कम हो चुका है। सो गाइज अभी हम लोग ये सारे आप देख सकते हो ब्रेड को लेंगे और इसको इस ग्लास से कुछ इस तरीके से कट करेंगे जिससे गोल शेप आ जाए कुछ इस टाइप से। सो गाइस यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि हमारे जो ब्रेड है वो राउंड शेप में कट हो चुकी है। अभी हम लोग इसको सिंपली वो जो लिक्विड था उसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे आप सब देख सकते हो ये जो बची हुई ब्रेड है इससे और हम लोग एक नया नाश्ता बनाएंगे। सो गाइज अभी हम लोग फाइनली इसको टेस्ट करने वाले ब्रेड की रसमलाई को। गाइज एकदम बढ़िया टेस्ट है, एक बार जरूर ट्राई करना मेरी रेसिपी। सो गाइज कैसी लगी आपको हमारी ब्रेड की रसमलाई, और आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करना कैसी बनती है, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज यही था वीडियो, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग वीडियो के साथ साथ फूड ब्लॉगिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन करके ऑल के ऊपर क्लिक करना, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।